तो हाँ जी, क्या हालचाल? तो भाई ऑनर अपने 90 सीरीज के अंदर एक ना धांसू स्मार्टफोन को लॉन्च किया। जी हाँ, जबरदस्त स्मार्टफोन है, नाम है ऑनर 90 GT। जी हाँ, ये जबरदस्त स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया। जब इसका स्पेक सुनेंगे ना, ऑसम कहेंगे भाई सब, कहेंगे वाह क्या बात है भाई साहब, ऑनर ने क्या काम किया, जबरदस्त है। मैं लिख के बता रहा हूँ, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, शानदार स्मार्टफोन जिस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च किया गया इन्होंने किया है, चाइना में इंडियन प्राइस कन्वर्ट करूंगा ना, जबरदस्त किलर स्मार्टफोन है एकदम से। हाँ, इंडिया में लॉन्च होगा कि नहीं होगा, ये आपके मन में सवाल है ना, चलिए बता देता हूं। देखिए, ऑनर 90 तो इंडिया में लॉन्च हो चुकी है, तो ऑनर 90 GT भी इंडिया में लॉन्च होने वाली है। जी कब लॉन्च होगी बताया तो नहीं गया, अभी ऑफिशियली डेट सामने नहीं आया है। लॉन्च होगा, ये हमारे माधव सेठ सर है, इसको लॉन्च जरूर करेंगे। लीक्स रूमर सामने आ चुके, हमारे सोर्स से पता चला है कि इंडिया में इसको लॉन्च किया जाएगा, अभी बहुत टाइम है। लेकिन जो चाइना में लॉन्च हुआ है ना, क्यों मैं कह रहा हूं जबरदस्त है, चलिए जानेंगे, शानदार एकदम से है। और क्या प्राइस पॉइंट पर लॉन्च किया गया ना, वो भी सुनेंगे ना, आप चौंक जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करने के मजा है, क्योंकि आपके लिए फ्री होती है, मुझे यहाँ बेनिफिट मिल जाती है। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट अनूप, आप देख रहे हो खुद का टेक चैनल टेक्नो अनूप, क्योंकि आप हैं तभी तो मैं हूँ। तो हाँ जी, चलिए देखते कि ऑनर 90 GT में ऐसा क्या खास है जिस पे मैं बता रहा हूं कि शानदार स्मार्टफोन है, किलर स्मार्टफोन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्ड क्वालिटी से। तो देखिए, यहां पर आपको ना दो टाइप की बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलेगी। जी हाँ, समझ गए होंगे, जो लेजेंड है ना वो समझ गए होंगे। जी हाँ, एक मिलेगा वो ग्लास बैक और दूसरा है लेदर बैक के साथ, लेकिन प्लास्टिक फ्रेम ग्लास फ्रेम देखने को मिलेगा। लेकिन फ्रंट बैक की चीज का प्रोटेक्शन है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के लेवल का आपको प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 नहीं है, लेकिन उसके लेवल का आपको देखने को मिलेगा, जबरदस्त होने वाली है। ऑनर खुद का या प्रोवाइड की है यहाँ पर, लेकिन शानदार प्रोटेक्शन देखने को मिलने वाला। लेकिन फोन का वेट बताया जा रहा है 185 ग्राम, थिकनेस 7.9 mm, यानी कि भाई साहब वेट भी हल्का है, थिकनेस भी सही है। हाँ, IP रेटिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पर। चलिए अब बात करते हैं इसके डिजाइन की। तो हाँ जी, डिजाइन भी सामने ही आ चुकी है, लॉन्च तो हो ही चुकी है। ये बैक साइड देखेंगे, टॉप पर आपको डुअल कैमरा की हाउसिंग LED फ्लैश के साथ, नीचे ऑनर की ब्रांडिंग। फ्रंट साइड की बात करें, सेंटर पंच होल के साथ फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। बॉडी रेशियो बताया जा रही है समवेयर अराउंड 91% के आसपास देखने को मिलेगी, यानी कि वेजल्स चीन एकदम पत्ती से होने वाली है। कलर्स की बात करें तो ब्लैक ब्लू गोल्ड तीनों कलर है, लेकिन जब इंडिया में लॉन्च होगा तो केवल दो कलर में लॉन्च होगा, ब्लैक और ब्लू। तो भाई साहब शानदार है, ब्लू वाला आपको लेदर मिलेगा, ब्लैक वाला शायद बताया जा रहा है ग्लास देखने को मिलेगा। ऐसे फिलहाल अभी कुछ अपडेट नहीं है इंडिया में लॉन्च किया, मतलब बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलने वाली है, लेकिन जो चाइना में लॉन्च हो, मैं बता रहा हूँ आपको, शानदार बिल्ड क्वालिटी डिजाइन सब कुछ है। अब सवाल है ये कंटेंट कंज्यूम करेंगे तो कैसा होने वाला, लिटरली जबरदस्त है। चलिए बात करते हैं डिस्प्ले की। तो भाई साहब यहाँ जो डिस्प्ले देखो मिलेगा ना, शानदार है। यहाँ मिलेगा 6.7 इंच की 1.5K 10 bit का Vision OX VM7 LTPS OLED पैनल, 2664x1200 pixel की स्क्रीन रेजोल्यूशन, 20:1 का एस्पेक्ट रेशियो, 436 ppi की पिक्सल डेंसिटी, 2600 nits की पिक ब्राइटनेस, 120Hz की रिफ्रेश रेट, 300Hz की टच सैम्पलिंग रेट, HDR10+, वाइड वाइन L1 सारे सपोर्ट है भाई साहब। और स्क्रीन क्वालिटी शानदार है भाई साहब, 10 बिट का, कलर्स आपको जबरदस्त मिलने वाले हैं, ब्राइटनेस शानदार है, 2600 निट्स की है, इंडोर आउटडोर की विजिबिलिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सोशल मीडिया पेज स्क्रॉल करेंगे ना, गेमिंग करेंगे, स्मूथनेस भी नजर आने वाली है। और हाँ, कंटेंट कंज्यूम करेंगे तो तीनों में ही आप HDR कंटेंट रगड़ के देख सकते हैं। कंटेंट क्वालिटी मतलब कंटेंट कंज्यूम करने के लिए, गेमिंग करने के लिए जबरदस्त होने वाली है। यहाँ पर ऑनर ने खुद का एक कुछ नया चिप यूज किया गया, आगे बात करेंगे। लेकिन सवाल है कि परफॉर्मेंस क्या, मतलब स्क्रीन तो इतनी अच्छी है तो क्या गेमिंग करने में भी शानदार होगी। चलिए बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो भाई साहब इस फोन को शक्ति देगा क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 प्रोसेसर, दमदार प्रोसेसर है, बटरी स्मूथ है, 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन में बनाया गया, एनर्जी एफिशिएंसी मस्त रहती है, ऑसम रहती है, वेपर चैम्बर कूलिंग का भी आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा, माने हीट वीट के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। चलिए देखते हैं कितना पावरफुल है, यानी कि रॉ सीपीयू की तरफ यहाँ मिलता है 1 Cortex X3 जो कि 3.2 GHz से क्लॉक किया गया, वहीं 2 Cortex A715 जो कि 2.8 GHz से क्लॉक किया गया, वहीं 2 Cortex A710 जो कि 2.8 GHz से क्लॉक किया गया, वहीं 3 Cortex A510 जो कि भाई साहब
2 GHz का क्लॉक किया गया। परफॉर्मेंस तो भाई साहब शानदार है ही, दमदार होने वाला है। यहाँ पर कुछ का एक कुछ C1 करके चिप मिल रहा है जो कि गेमिंग विंग करने के लिए इन्हांस कर दे, क्वालिटी को इन्हांस कर देता है भाई साहब, जबरदस्त है यहाँ पर। मतलब रिफ्रेश रेट को भी इन्हांस करेगा, एक नया चिप देखने को मिलेगा यहाँ पर। हाँ, गेमिंग भी आप ना आराम से 60 FPS तो कर ही सकते हैं, जब जो चिप के साथ आप 90 FPS कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मिलेगा आपको एड्रीनो 740 GPU साथ LPDDR5X रैम, UFS 4.0 वाला स्टोरेज देखने को मिलता है, यानी कि रीड राइट की स्पीड तो भाई साहब शानदार है ही। 5G भी आपको बैंड अच्छे खासे मिल जाते हैं। रही बात ऑनटू स्कोर की, तो 16 लाख के आसपास देखने को मिला, उससे ऊपर ही मिला है, यानी कि मतलब देखा जाए परफॉर्मेंस तो भाई साहब किलर होने वाला है। अब जो लोग फोटोग्राफी के लिए या वीडियोग्राफी के लिए परचेस करना चाहते हैं, क्या उनके सही है? चलिए बात करते हैं कैमरा की। तो भाई साहब देखा जाए ना तो कैमरा भी खराब नहीं है, जबरदस्त है भाई। इस प्राइस रेंज में गेमिंग के साथ साथ कैमरा मतलब फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मिलता है डुअल कैमरा। पहला है 50 MP मेन सेंसर OIS सपोर्ट के साथ सोनी IMX906 सेंसर, वहीं 12 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जो कि सैमसंग का सेंसर देखने को मिलेगा। सैमसंग कौन सा ये प्रोवाइड नहीं बताया गया, सैमसंग का देखने को मिलेगा। क्वालिटी भाई साहब दमदार है, थैंक गॉड। मैक्रो और डेप्थ सेंसर देखने को नहीं मिलता यहाँ पर, ये चीज सही ख्याल रखा ऑनर ने। तो जबरदस्त क्वालिटी आने में, सैंपल आएगा आपको शेयर कर दूंगा, एक्स पे जाकर फॉलो कर लीजिएगा। लेकिन रियर से 4K 30 FPS 1080 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब सवाल है खूबसूरत चेहरे कैप्चर करने के रील शॉट्स पाने के लिए 16 MP सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया गया। यहाँ भी आपको सैमसंग का ही सेंसर देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ से आप 1080 30 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी कि रील शॉट्स आप बना सकते हैं। क्वालिटी आपको शानदार मिलने वाली है। अब जो प्राइस पॉइंट है ना बताएंगे आके, लेकिन अब सवाल है कि पावर देने के लिए कितना एमएच की बैटरी मिलेगी। चलिए बात करते हैं बैटरी की। तो भाई साहब इस फोन को पावर देने के लिए 5000 एमएच की बैटरी, 100 वाट की चार्जिंग सपोर्ट और साथ ही 5 वाट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है। ऐसा कोई ना 5 वाट का बहुत स्लो होगा, लेकिन चार्जर बहुत देखने को मिल जाता है, बैकअप सारा निकालेगा, डिपेंड करता है आपके ऊपर कैसे यूज करते हैं। अब बात करते हैं सेंसर सिक्योरिटी प्राइवेसी की। तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर फेस अनलॉक का ऑप्शन डेफिनेटली मिलता है, सेंसर में सारे सेंसर मिलेंगे, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी फलाना ढिकाना चटर पुटर सारे सेंसर मिलेंगे, यूएसबी टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, यहाँ पर डुअल स्टूडियो स्पीकर मिलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 3.5 mm ऑडियो जैक, ना ही कोई कार्ड स्लॉट देखने को मिलने वाली है। लेकिन अब सवाल है कि यहाँ पर कौन सा OS देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो भाई साहब इस फोन में आपको मिलेगा एकदम से लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 के ऊपर आउट ऑफ डी बॉक्स, साथ ही मैजिक OS 7.2 देखने को मिलेगा। ब्लॉटर होते हैं, हटा सकते हैं, ज्यादा इतना है नहीं, ठीक है। हाँ, पॉलिसी की बात करें तो 2 साल एंड्रॉइड अपडेट, 3 साल सिक्योरिटी पैच अपडेट आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन अब बात करते हैं इसके वेरिएंट्स की। तो यहाँ पर आपको ना अलग अलग मतलब वेरिएंट्स के साथ साथ मैं प्राइस भी आपको बताता जाऊंगा, किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च किया गया चाइना में, इंडियन प्राइस कन्वर्ट करके बताऊंगा। लेकिन जल्दी से क्या करना है, यहाँ तक बने है ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, 150 का टारगेट है, पहुंचाइए, शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड फैमिली के साथ, चैनल परिवार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करने के मत जाइए, क्योंकि आप पहले फ्री होती है, मुझे यहाँ पर बेनिफिट मिल जाती है। खैर बात करते हैं वेरिएंट्स एंड प्राइस की। तो यहाँ आपको ना अच्छे खासे वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, टोटल 4 वेरिएंट्स है। पहला है 12+256 जिसकी प्राइस है 30,340, वहीं 16+256 जिसकी प्राइस है 33,840, वहीं 16+512 जिसकी प्राइस है 37,350, वहीं 24+1TB जिसकी प्राइस है 43,180। प्राइस देखा जाता भाई साहब किलर प्राइस में लॉन्च किया गया है। अब इंडिया में अगर थोड़ा सा तो हाई रहेगा, लेकिन रेंज देखा जाए तो 35-40 के अंदर ही देखने को मिलना चाहिए। अब भाई ये माधव सेठ सर के ऊपर निर्भर करता है किस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च करती है, लेकिन देखा जाए भाई साहब किलर स्मार्टफोन होने वाला है। इंडिया में लॉन्च कर दे टाइम से पहले तो लोगों को पसंद जरूर आने वाली है। तो ऑनर वाले कहेंगे जो लवर हैं कि ऑनर वापस आ गई है अपने अच्छे खासे स्पेक्स के साथ, देखा जाए तो। बाकी अपना ओपिनियन बताइएगा ऑनर 90 GT को लेकर कि आपकी क्या ओपिनियन है, किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होना चाहिए इंडिया में। फिलहाल देखा तो डेफिनेटली इंडिया में लॉन्च होगी यहाँ पर। वैसे इंडियन अवेलेबिलिटी और प्राइस का कुछ पता चलता है, यदि स्पेक्स कुछ चेंज होती है तो अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, यदि खाली बस लॉन्च पता चलेगा तो मैं आपको एक्स पर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर अपडेट करता हूँ और यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पर भी अपडेट करता हूँ। तो अपना ओपिनियन जरूर बताएं कमेंट करके कि आपके हिसाब से क्या प्राइस होना चाहिए, कितना एक्साइटेड है ऑनर 90 GT को लेकर, और कमेंट क्या कीजिए कि मुझे मोटिवेशन मिल जाती है और थोड़ा सा यूट्यूब के एल गोचर को भी लग जाती है, तो व्यूज में हेल्प हो जाती है और क्या। तो भाई को सपोर्ट करिए, प्यार बरसाइए, लेकिन आगे देख लीजिएगा आज का कमेंट ऑफ द डे कौन कौन है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Thank you.